हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। जी हां, आप चौंक गए ना ये खबर सुन करके। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस शहर की आबादी पहले हजारों की संख्या में थी, लेकिन 2011 में आए एक सुनामी की वजह से आज उस शहर में सन्नाटा फैला हुआ है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उस शहर का नाम तोमियोका है, जिस शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। और उसका कारण है कि 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी, जिसकी वजह से वहां से लोग चले गए थे, और बाद में परमाणु संयंत्र में रेडिएशन फैलने की डर से वहां पर फिर कोई वापस नहीं आया। लेकिन वो व्यक्ति उस गांव से बाहर नहीं गया और उन्होंने कहा कि मुझे इस गांव से प्यार है और इस गांव की वजह से मुझे पहचान मिली है, और इसी वजह से वो गांव से बाहर नहीं गए। वैसे आपको बता दें कि उस इंसान का नाम नाओतो है और उनकी उम्र 58 साल है। उनसे जब ये पूछा गया कि उन्हें इस गांव में अकेले रहने में डर नहीं लगता, तो उन्होंने साफ मना किया और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रहने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। X9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।